Hello students, in last lecture we have studied about the line when it is in VP and inclined to HP and perpendicular to HP, or when it was parallel to VP and parallel to HP and inclined to HP. In both cases the line was either in VP or parallel to VP. So we have seen that whenever it is parallel to VP, we can see the true length in front view. Either it is VP, we get the true length in front view, or it is parallel to VP, in that case also we always get the true length in front view. तो जब भी लाइन वीपी में होगी या वीपी से पैरेलल होगी तो हमको फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिल रही थी, ऐसा हमने देखा. और इसका एक कॉन्सेप्ट भी बनाया था कि जब भी लाइन वीपी में होगी या वीपी से पैरेलल होगी तो हमको फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिलेगी. और इसका जो फाइनल सॉल्यूशन जो हमने निकाला था उसको ये निकाला था कि व्हेन द टॉप व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई द फ्रंट व्यू विल बी ट्रू इन लेंथ. उसी के आगे हम अब सीखेंगे व्हेन लाइन इज इन एचपी. सो सपोज this is xy line and this is vertical plane and somewhere here there is a horizontal plane imaginary. You can put a paper also and can take it. You can also take this one. Suppose this is vertical plane, horizontal plane. When line is in HP, it means it will be like this. This is vertical plane, this is line in HP, and you can see it is also parallel to HP. So first condition hum le rahe hain, when line is in HP and parallel to VP. Line is in HP and parallel to VP. तो क्या देख रहे हैं, देखो फ्रंट व्यू से आप ट्रू लेंथ देख पा रहे हैं, टॉप व्यू से भी ट्रू लेंथ देख पा रहे हैं. फ्रंट व्यू कहां पर बनेगा अपना, एक्स वाई लाइन पर. टॉप व्यू कहां पर बनेगा, जितना ये वर्टिकल प्लेन से आगे है. तो मान लीजिए हमने एक प्रॉब्लम ली है कि लाइन इज इन एचपी एंड पैरेलल टू वी. तो लाइन हम लाइन इज इन एच पी एंड पैरेलल टू वी पी. इन एच पी तो डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं है. पैरेलल टू वी पी मीन्स पैरेलल टू वी पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm लगा लो. तो ये हमने बना लिया, लाइन इज इन एच पी एंड पैरेलल टू वी पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm. तो पोजीशन कैसे बनाएंगे, वीपी से हम क्या करेंगे 20 mm की डिस्टेंस पे इसको एचपी में यहां रखते हैं. फ्रंट व्यू सामने से देखेंगे, पूरी ट्रू लेंथ दिखेगी, पूरी जितनी की भी मान लो 70 की लाइन है तो 70 पूरी दिखेगी. और टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू में ये ट्रू लेंथ दिखेगी, और एक्स वाई लाइन से 20 mm की डिस्टेंस पे दिखेगी. देखिए बनाते कैसे. सो सपोज इट इज द वीपी एंड एचपी. सपोज दिस वन इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज द एक्स वाई लाइन. सो एज लाइन इज इन एचपी इट मींस इट विल समवेयर हियर ए बी, छोटा भी कर सकते हैं. एंड पैरेलल टू वीपी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, इट इज डिस्टेंस इज 20 mm बिकॉज इट इज पैरेलल टू वीपी. इट इज इन एचपी, नो डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. सो व्हेनेवर यू सी फ्रॉम फ्रंट साइड यू विल गेट द फ्रंट व्यू समवेयर हियर. आपको फ्रंट व्यू कहां मिलेगा, ये ए डैश बी डैश, क्योंकि लाइन एचपी में है तो फ्रंट व्यू एक्स वाई मिलेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से. व्हेनेवर ऑब्जेक्ट हैज रिलेशन विद एचपी फ्रंट व्यू विल हैव
विथ एक्स वाई लाइन. तो लाइन एच पी में है तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन में ही मिलेगा आपको. अब ये वी पी से इतनी डिस्टेंस पे, तो टॉप व्यू उसका यही हो जाएगा जहां पर लाइन रखी है, टॉप व्यू द सेम. तो वेन वी ड्रॉ इट इन अवर पेपर द सोल्यूशन विल बी लाइक दिस एक्स वाई लाइन एंड दिस वन इज द फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश और ट्रू लेंथ एंड टॉप व्यू विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm. दिस वन विल बी द टॉप व्यू. तो ये सॉल्यूशन होगा आपका. तो देखिए फिर चेक कर लें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं. फॉर्मूला हमारा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन एचपी के साथ होता है वो फ्रंट व्यू का एक्स वाई लाइन के साथ होता है. तो ऑब्जेक्ट मतलब लाइन एचपी में है तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन में मिल रहा है. ये फ्रंट व्यू यहाँ पर और बना देता हूँ, ये वाला ये फ्रंट व्यू है एक्स वाई लाइन ए डैश बी डैश. लाइन वीपी से पैरेलल है तो टॉप व्यू पैरेलल मिल रहा है. एक और चीज हमने सीखी थी वो ये कि व्हेन वन व्यू इज पैरेलल अदर व्यू विल बी ट्रू लेंथ. तो देखो टॉप व्यू इज पैरेलल देन फ्रंट व्यू इज ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई टॉप व्यू इज ट्रू लेंथ. तो दोनों व्यू में आपको ट्रू लेंथ मिल रही है. एंड थर्ड थिंग प्रोजेक्टर ए डैश एंड ए ऑन सेम लाइन बी डैश एंड बी ऑन सेम लाइन. तीनों फॉर्मूले आपको चेक करने हैं और चेक करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि नेक्स्ट जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें ये तीनों फॉर्मूले यूज करके आपको सॉल्यूशन निकालना है. सो वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट पोजीशन ऑफ लाइन व्हेन इट इज इन एचपी एंड पैरेलल टू वीपी ट्रू लेंथ इज गिवन 70 mm. लाइन इट एट डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम वीपी एंड इन एचपी the solution this one we have checked the solution according to formula. Now second position of line when it is in HP and inclined to VP kya hoga dekhe in HP and inclined to VP inclined to VP HP mein rakhein aur hum iska one end A is 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी तो सेम है. इनक्लाइन टू वीपी जरूर ले सकते हैं, 30 mm ले लें. ये लो ये पोजीशन आ गई. ट्रू लेंथ भी ले सकते हो आप. ट्रू लेंथ इज सपोज 70 mm. ये पोजीशन हो गई. अब देख लें फिर से. अब क्या हुआ है, ये वर्टिकल प्लेन ये ओरिजेंटल प्लेन. लाइन हम एचपी में रख रहे हैं, लाइन को एचपी में रख दिया. नाउ इट इज इनक्लाइन टू वीपी तो आपको लाइन ऐसी रखनी पड़ेगी. लाइन को हमने ऐसा रखा ये इनक्लाइन टू वीपी एंड इन एचपी और इसका ये एक एंड ये इट इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी एंड इन एच पी. ट्रू लेंथ इज 70 mm. तो ये पोजिशन बन रही है लाइन. वेन यू सी इट फ्रॉम फ्रंट व्यू सामने से जब देखेंगे तो लाइन की लेंथ अब छोटी हो गई. फ्रंट व्यू में आपको छोटी दिखाई देगी तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड लेंथ. बट वेन यू सी इट फ्रॉम टॉप साइड इट यू विल गेट द ट्रू लेंथ. आपको अभी भी ट्रू लेंथ की दिखेगी, मतलब पूरी लाइन 70 mm की दिखेगी. क्यों? क्योंकि ये एचपी में है तो जब भी लाइन एचपी में होगी या एचपी के पैरेलल होगी तो टॉप व्यू में हम ट्रू लेंथ देख पाएंगे. जब भी लाइन वीपी में या वीपी के पैरेलल होगी तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ देख पाएंगे. ये हमने सीखा है तो ये बार बार सीख रहे हैं इसको. ठीक है, अब इसको अगर आप यहां बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे देखें. यहाँ बनाते हैं तो हम वही करें वर्टिकल प्लेन. ये अभी इनिशियल केस में आपको बार बार मैं बना रहा हूँ. जब हम एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो फिर आपको ये प्लेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
ये अब पोजीशन ऑफ लाइन देखो क्या है, एक एंड हमने यहां पर 20 mm की डिस्टेंस पर रखा है, लाइन वीपी में रखी है और लाइन ऐसे इंक्लाइंट रखती है, तो ये ए डैश ए और बी। जब आप सामने से देखते हैं तो यहां पर आपको फ्रंट व्यू मिल जाता है, तो फ्रंट व्यू की पोजीशन आपको ये मिल जाएगी, दिस वन इज ए डैश एंड बी डैश। टॉप व्यू इटसेल्फ, लाइन की पोजीशन इटसेल्फ सॉल्यूशन होगा टॉप व्यू का, ये हमने वही कर दिया। इसको सॉल्यूशन बनाएंगे तो देखें कैसे क्या होगा, एक्स वाई लाइन ये हो गया, फ्रंट व्यू यू विल गेट इन। सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते समय आप सीक्वेंस वाइज कर लें, पॉइंट की पोजीशन 20 mm है तो हम क्या करेंगे, यहां से 20 mm की डिस्टेंस पे एक पॉइंट बना देंगे ए डैश, सॉरी ए वीपी से 20 mm अभी है, ए डैश आपका एक्स वाई लाइन पे आए ए डैश। अब लाइन एचपी में है तो फ्रंट व्यू में आपको एक्स वाई लाइन पे बन रहा है, तो टॉप व्यू में अपने को ट्रू लेंथ दिखेगी, जब भी लाइन एचपी में होगी तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ मिलेगी, तो पहले टॉप व्यू बनाना पड़ेगा आपको, पहले टॉप व्यू बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी ट्रू लेंथ मालूम है और ये पोजीशन भी मालूम है और 30 डिग्री इंक्लिनेशन भी मालूम है, तो पहले टॉप व्यू बनाएंगे 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर, तो ये बी टॉप व्यू बन गया और हमको मालूम है बी और बी डैश एक ही प्रोजेक्टर लाइन पे आते हैं, तो यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये बी डैश बना लिया, तो ये आपका फ्रंट व्यू। तो ये सीक्वेंस रहेगा, धीरे धीरे हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बनाना सीख रहे हैं। सेकंड स्टेज वी हैव लर्न्ड व्हेन लाइन इज इन एचपी एंड इनक्लाइन टू वीपी, इट्स वन एंड इज गिवन एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm, इंक्लिनेशन विद वर्टिकल प्लेन इज 30 mm, सो व्हेन यू पुट द लाइन इन एचपी इनक्लाइंडिंग 30 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन, व्हेन यू सी फ्रॉम टॉप साइड फ्रंट साइड यू विल गेट द फ्रंट व्यू इट इज शॉर्टर लेंथ एंड टॉप व्यू ऑलवेज बी ट्रू लेंथ, दैट्स व्हाई व्हेन एवर वी ड्रॉ द सोल्यूशन फर्स्ट ड्रॉ द एक्स वाई लाइन एंड मार्क द पॉइंट ए बिकॉज इट इज नोन ए इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, सो ए विल बी समवेयर हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm, यू मार्क ऑन द सेम प्रोजेक्टर लाइन ए ए डैश बिकॉज इट इज अवर थर्ड कॉन्सेप्ट, ए एंड ए डैश ऑलवेज बी ऑन द सेम प्रोजेक्टर लाइन, you can mark here a dash, draw the true length of 70 mm making an angle of 30 degree with the xy and got the point b, draw the projector line wherever it intersect to the xy line you will get the front view. This tarike se hum front view aur top view ki position pata kar sakte hain jab bhi line aisi di ho. Iski last situation jo hum discuss karenge, that is line is perpendicular to VP and in HP. Line is perpendicular to VP and in HP. तो आप देखिए कैसे करेंगे, पोजिशन क्या होगी, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी, मतलब परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया और इन एच पी ये पोजिशन हो जाएगी, इसकी एक एंड की पोजिशन आपको देनी पड़ेगी, तो एक एंड ए may be given at a 20 mm away from VP and total length of line is 70 mm, position is perpendicular to VP and in HP, still we are placing the line in HP, that's why when you see from top front side you will get a point, front view kaise milega, ek point, when you see from top side you will get the true length because it is in HP, jab bhi line HP mein HP ke parallel hoti hai to uska front view XY के पैरेलल होता है और टॉप व्यू में ट्रू लेंथ आती है, ये आपको बार बार याद करना है। तो आपको यहां पर हम कर देंगे लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड ट्रू लेंथ एंड वन ऑफ इट्स एंड एट एंड ए 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये लिख दो यहां पर। तो क्या है देखो, ये पोजीशन बना ली हमने एक्स वाई की, ये अभी बना रहे हैं हम, बाद में नहीं बनाएंगे, जब हम प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बार बार नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। लाइन की पोजीशन ये आ गई, ये पॉइंट 20 mm अवे, इसलिए लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
परपेंडिकुलर है तो ये पोजीशन हो जाएगी लाइन बी, ये पोजीशन हो गई, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी। जब आप सामने से देखोगे तो फ्रंट व्यू कहीं तो भी यहाँ मिलेगा, ए डैश बी डैश ये फ्रंट व्यू मिल जाएगा, टॉप व्यू इटसेल्फ ये लाइन की पोजीशन रहेगी। अभी देखा हमने सॉल्यूशन बनाएंगे तो कैसे जाएंगे, ये एक्स वाई लाइन और फ्रंट व्यू समवेयर हियर, ये बना सकते हैं हम डायरेक्टली क्योंकि दिया हुआ है पॉइंट व्यू। और नाउ पॉइंट ए इज 20 mm अवे फ्रॉम वी पी, दैट्स वाई द पॉइंट ए विल बी समवेयर हियर ए, एंड बिकॉज इट इज फ्रंट व्यू इज पैरेलल टॉप व्यू विल बी ट्रू लेंथ, तो दिस लेंथ विल बी ट्रू, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पोजिशन वेन लाइन इज इन एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी, एंड वी कैन सी द फॉर्मूला इज ऑल्सो ट्रू, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू पी, दैट्स वाई लाइन इज परपेंडिकुलर टू वी पी, दैट्स वाई टॉप व्यू इज परपेंडिकुलर, लाइन इज इन एच पी, सो फ्रंट व्यू इज इन एक्स वाई एंड फ्रंट व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, दैट्स वाई टॉप व्यू इज द ट्रू लेंथ। तो ये हम अभी तक दो पोजिशन सीख चुके हैं, एक तो लाइन इन एच पी एंड पैरेलल टू एच पी, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एच पी एंड एट डिफरेंट पोजिशन विद द वर्टिकल प्लेन। थैंक यू।